रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय बैठक अवाही नाग मंदिर बैजनाथ के सभागार में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में बैजनाथ इकाई के प्रधान विदी सिंह, महासचिव त्रिलोक चौधरी के अतिरिक्त प्रदेश की हर इकाई से पदाधिकारियों सहित सैकड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन की राज्य स्तरीय बैठक अबाही नाग मंदिर बैजनाथ के सभागार में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष केसी चौहान की अध्यक्षता में हुई। बैजनाथ इकाई के प्रधान विधि सिंह, महासचिव त्रिलोक चौधरी के अतिरिक्त प्रदेश की हर इकाई से पदाधिकारियों सहित सैकड़ों सेवा निवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर अपने संबोधन में केसी चौहान ने सरकार एवं परिवहन प्रबंधन को आगाह करते हुए कहा कि यदि 5 फरवरी 2020 तक प्रबंधन ने संगठन की मांगों पर कोई निर्णय नहीं किया है तो संगठन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसका निर्णय सरकार घाट क्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक जो 5 फरवरी 2020 को होने जा रही है में लिया जाएगा। बैठक में शिमला, रोहडू, रामपुर, मंडी, सरकार घाट, पठानकोट, सुंदरनगर, बिलासपुर, हमीरपुर व बैजनाथ के क्षेत्रों से भी संगठन के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें संगठन धरना प्रदर्शन, रोष मार्च, प्रबंध निदेशक के कार्यालय का घेराव, आमरण अनशन बारे निर्णय लिया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सरकार परिवहन प्रबंधन अन्यायपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, जिस पर संगठन रोष प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो समय पर पेंशन मिल रही है, न मेडिकल भत्तों का भुगतान हो रहा है और न ही डीए का भुगतान किया जा रहा है। जब भी हम परिवहन प्रबंधन से, परिवहन मंत्री से इस विषय में बात उठाते हैं तो सिवाय आश्वासनों के हमें कुछ नहीं मिलता। अतः सरकार से हमारी मांगों, चिरकाल से चली आ रही, उचित समय पर निर्णय नहीं लिया तो मजबूर होकर हमें सख्त से सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। 20 जनवरी 2020 को एचआरटीसी पेंशनर कल्याण वेलफेयर की संगठन बैजनाथ में बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश के हर एक क्षेत्र से, हर एक मंडल से पेंशनर मौजूद है और पेंशनर्स की पिछले कई समय से स्थायी हल के लिए जदोजहद कर रहे हैं और ये सारे वरिष्ठ नागरिक है और इनकी जो पेंशन का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को अभी तक पेंशन का जो एरियर है, 10 महीने का, 12 महीने का या 14 महीने का जो एरियर है, पेंशन का जो एरियर नहीं मिला है और आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक पेंशन पड़ी नहीं है, जिससे पेंशनर्स को वित्तीय हालत पतली होने के कारण उनके परिवार में और उनको मानसिक तनाव में रहना पड़ रहा है। और इस एज में जबकि उन्होंने प्रदेश की भिन्न भिन्न जगहों में सेवा की है, रात दिन लगातार बसों में और वर्कशॉप में और कठिन परिस्थितियों में इन लोगों ने एचआरटीसी की तथा हिमाचल की जो जनता है उनकी सेवा की है। जो डीए का एरियर है, 7-8 किस्तें हो गई है, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और इसकी भारी रकम नहीं है, बहुत मतलब 30-35 करोड़ की ज़्यादा ज़्यादा लाइबिलिटी है, उसको डिस्चार्ज करने में प्रबंधन तथा सरकार अभी तक सक्षम नहीं रही है, जबकि ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब झील ही नहीं है तो उसको करने के लिए, तो इसलिए इससे जो है ना सारे पेंशनर परेशान हो रहे हैं और उनकी जो जो लेजिटिमेट ड्यूस है वो उनको मिल नहीं रहे हैं और महीनों सालों तक ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, सालों तक कम्यूटेशन नहीं मिल रहा, सालों तक जो लीव एनकैशमेंट है वो नहीं मिल रही और मेडिकल जो ओल्ड एज में जो है ना, ये लोग इतनी सेवा करने के बावजूद भी इन्होंने जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है, थोड़ी सा अमाउंट होता है, उसको देने में भी 6-6 महीने साल लगा देते हैं, जिससे उनको बहुत परेशानी हो रही है और मेडिकल जो है ना इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं होता।